वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से एबीआर कोचिंग सेंटर क्लासेज में। तो देखिए आज का सेट है 264 और 264 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को क्या कहा जाता है? गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गोविंद सागर नाम से। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय कहाँ पे है? पुणे में है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 17 सितंबर 1997 को लागू की गई। पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? पानी है। आयरन शब्द किसे संबंधित है? गोल्फ खेल से संबंधित है। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय अनंत नगर जो कि स्थापित किया गया था 1960 में कौन सा है? अनंत नगर विश्वविद्यालय। देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन है जो 20 जून 1951 को पंजाब में लगाया गया था। कहाँ पे लगाया गया था? पंजाब में लगाया गया था। कब? 20 जून 1951 को। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म भावरा क्या है? भावरा जो कि जिला झाबुआ मध्य प्रदेश में है। चंद्रशेखर आजाद हैं जो, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? भावरा में। और ये कहाँ पे है? भावरा जिला झाबुआ मध्य प्रदेश में। मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर है। जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किस चीज की स्थापना की थी? फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना जर्मनी में की गई थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा। प्रसिद्ध पारसी त्योहार नरोज को बलबन ने प्रारंभ किया था। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। हाथी गुफा अभिलेख में खारवेल की उपलब्धियों का विवरण है। नेक्स्ट बात करते हैं सेट 265 की। तो 265 में फर्स्ट है, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने अली नगर की संधि की थी। कहाँ की संधि की थी? अली नगर की संधि की थी। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी थे। मोहम्मद अली जिन्ना को 14 सूत्री प्रस्ताव जो कि नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध था, जो मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री प्रस्ताव था वो किसके खिलाफ था? नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध में था। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होता है। भारत में संविधान में अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित होती हैं। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण चंबल नदी पर किया गया है। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर किया गया है। किस किस का निर्माण? जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय। नेक्स्ट बात करते हैं, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी कि IRDP 1978 में प्रारंभ किया गया था। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि SEBI की स्थापना कब की गई थी? 1988 में इसकी स्थापना की गई थी SEBI की। ग्रेसम का नियम मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। चाइनामैन शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित है। गीता रहस्य के रचयिता कौन है? बाल गंगाधर तिलक है। 6 मई 1861 को भारत के दो महान व्यक्तियों जो कि रविंद्रनाथ टैगोर और पंडित मोतीलाल नेहरू का जन्म होने का गौरव प्राप्त हुआ था। 6 मई 1861 को भी देखिए, 6 मई 1861 को दो लोगों का जन्म हुआ था। कौन कौन? रविंद्रनाथ टैगोर और पंडित मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? फातिमा बीबी थी। सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी पहली भारतीय महिला, कौन थी? फातिमा बीबी थी। नेक्स्ट देखिए, सेट 266 में महाराज रणजीत सिंह का साथ सर चार्ल्स मैटकॉफ के विचार विमर्श के फलस्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, उस समय वहां के शासक कौन थे? भीम प्रथम थे। क्या किया था भाई? सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष यानी कि प्रत्येक हर 5 वर्ष बाद प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन करता था। कौन करता था? हर्षवर्धन करता था। यदि मुझे एक से अधिक जीवन मिले तो मैं उन सबको अपने देश पर बलिदान कर दूंगा, यह किसने कहा था? करतार सिंह सराभा ने कहा था। 1857 के विद्रोह को LR रीज ने धर्मांतों
का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था। बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट बात करते हैं, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। सार्वजनिक लेखा समिति की में राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। 44वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर कितना किया गया? 5 वर्ष का किया गया है। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान श्रवण सिंह समिति ने संतुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए। येलो बुक कहाँ की है? फ्रांस देश की राजकीय फाइल है येलो बुक। और इसी के साथ इस क्लास में इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुश रहिए, खुशहाल रहिए, सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।